हेलो रोन, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गढ़दा उड़ा रहे हो। और आप लोगों ने वोट किया कि भाई आपको एस21 एफई के साथ मोटो H50 प्रो का कंपेयर देखना है, वो वीडियो हम लोग ने लाया। और जो सेकंड सबसे ज़्यादा वोट था वो V30 प्रो के साथ था। एक्चुअल में देखा जाए तो V30 के साथ इसका कंपेयर होना चाहिए, वो सेम प्राइस का आता है। बट आपका वोट है, बहुत लोग ये देखना चाहते होंगे कि V30 प्रो में इतना पैसा इन्वेस्ट करें या फिर मोटो H50 प्रो लेके कुछ पैसा बचा सकते हैं। तो यही चीज़ आज टेस्ट करने वाले हैं कि दोनों में जो 10,000 का प्राइस डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं कितना काम करता है। वैसे एक चीज़ जो है मोटो में बेहतर है वो कि IP सर्टिफिकेशन IP68 मिल जाता है, वहीं हम लोग को वीवो में IP54 मिलता है। डिस्प्ले का बात करेंगे तो दोनों में टॉप नॉच डिस्प्ले मिलता है। 2800 निट्स का पीक ब्राइटनेस वीवो में है और 2000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मोटो में है। लेकिन हमको आउटडोर विजिबिलिटी में ऐसा मैक्सिमम जगहों पे फील हुआ है कि मोटो जो है ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले रखता है और ज़्यादा देर तक वो उसको मेंटेन भी कर पाता है। तो इस चीज़ में हम डेफिनेटली मोटो को रिकमेंड करेंगे। कम प्राइस होते हुए भी इतना बढ़िया काम किया तो मोटो यहाँ पर डेफिनेटली बोलेंगे कि बढ़िया है। लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, प्रोसेसिंग वाला काम करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये सब चीज़ें करना है तो आपके लिए भाई वीवो बेस्ट ऑप्शन है। 8200 डायमेंसिटी मिलता है, ये कहीं ज़्यादा बेहतर काम करता है आपके स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 से। इसका ऑप्टिमाइजेशन भी वीवो के साथ काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी अच्छा काम करेगा प्रोसेसिंग में भी। इमेज प्रोसेसिंग में हार्डवेयर का काम सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं काम करता है। हार्डवेयर अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है तभी आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक एडवांटेज जो है वीवो में मिल जाता है। बैटरी का बात करेंगे तो 4500 mAh का बैटरी है हम लोग मोटो में। 125 W तक का ये चार्जिंग सपोर्ट करता है। 50 W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। वीवो जो है 5000 mAh का बैटरी देता है, बड़ा बैटरी है, 80 W का चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। तो बात करते हैं भाई कैमरास का। कैमरा के मामले में वीवो में हम लोग को जाइस का एल्गोरिदम मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है, जाइस का प्रोसेसिंग मिलता है जिसमें नेचुरल कलर मोड, विविड मोड, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। मोटो में पैंटोन का वैलिडेशन है। पैंटोन मतलब कलर्स वगैरह को डिफाइन करती है, तो पैंटोन का यहाँ पे वैलिडेशन है। तो यहाँ प्राइमरी कैमरा का अगर बात करेंगे तो मोटो में बड़ा सेंसर है, 50 MP का, 1.4 अपर्चर, लार्जर अपर्चर भी है वीवो से, और ये OIS के साथ आता है। वीवो में हम लोग को सोनी IMX920 है, छोटा सेंसर है कंपेयर टू मोटो, 1x1.49 इंच का सेंसर, f1.9 अपर्चर के साथ, इसमें भी आपको OIS मिल जाता है। तो इसका फोटोज देखते हैं कि भाई कहाँ डिफरेंसेस आता है। तो शटर लैग देखते हैं दोनों फोन्स का कि कैसा क्या परफॉर्म करता है। भाई वीवो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू मोटो, कहीं ज़्यादा फास्ट। ये होता है बढ़िया प्रोसेसर और ऑप्टिमाइजेशन, कोई तोड़ ही नहीं है यहाँ पे, कोई तोड़ नहीं है, काफ़ी फास्ट है वीवो। तो एक्सट्रीम डार्क में आप जैसे जाते हो तो लाइव प्रीव्यू में आप देखोगे तो मोटो कहीं ज़्यादा ब्राइट दिखा रहा है फ़ोटो। तो ये फ़ोटो क्लिक करने के बाद देखते हैं कि किसमें कितना लंबा शटर खींचता है ये मोटो। ये करीब 2 से 3 सेकेंड का है। नाइट मोड में अगर हम लोग वीवो में जाते हैं तो वीवो भी अराउंड 3 सेकंड का स्लो शटर ले रहा है। एक देखिए दोनों ही फोन्स जो है कलर बूस्ट करता है, लेकिन वीवो में जाइस मोड है, आप नेचुरल कलर्स थोड़ा ले सकते हो। मोटो ग्रीन्स को बहुत ज़्यादा नेचुरल कर देता है कहीं ना कहीं। ह्यूमन सब्जेक्ट में भी आप देखोगे तो कलर्स जो है वीवो का पंची है बट वो ग्रीन्स को ज़्यादा ग्रीन नहीं करता। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉप करने के बाद कि नेचुरल जो ब्लर है वो मोटो में कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है लार्ज अपर्चर लार्ज सेंसर की वजह से। वीवो में ये चीज़ नहीं होगा। वीवो का डायनेमिक रेंज आप देख सकते हो यहाँ पे जूम किया हुआ है, वहाँ पे कितना ज़्यादा एडवांस है और बेटर है शार्पनेस और डिटेलिंग में। वीवो बहुत ही ज़्यादा बेटर था कहीं ना कहीं मोटो से, बट ये बोलना पड़ेगा मोटो जो है बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन अगर आप लो लाइट फोटोज़ में जाओगे, नॉर्मल लो लाइट वाले जितने भी फोटोज़ हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा शार्प और डिटेल जो है वीवो मिलता है। बस एक जगह है जहाँ पे मोटो अभी बेटर काम किया है, वो है एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में। सरप्राइजिंग था कि वीवो को भी मतलब पीछे कर देने वाला चीज़। और अगर आप फ्लैश से फोटो लेते हो एक्सपोजर ज़्यादा बढ़िया वीवो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट का हैंडल करता है, लेकिन मोटो जो है सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर डालता है। तो यहाँ अगर आप इंस्टाग्राम पे कैमरा सपोर्ट देखोगे तो अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट वीवो में नहीं है। इवन जूम करोगे तो प्राइमरी को ही जूम करता है, लेकिन मोटो में आप देखो अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट है, ये 1x का सपोर्ट है, और आप जूम करोगे तो जूम कैमरा भी काम करता है। तो ये एक एडिशनल फीचर्स है जो कि आपको काम देगा। अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो भाई हम लोग को यहाँ पे 13 MP का अल्ट्रा वाइड है f2.2 अपर्चर के साथ, मोटो में ऑटो फोकस के साथ। दोनों ही फोन का कैमरा जो है वो हम लोग को मैक्रो सपोर्ट करता है अल्ट्रा वाइड से फोकसिंग वगैरह, लेकिन वीवो का जो अल्ट्रा वाइड है वो कहीं ज्यादा पावरफुल सेंसर है। 50 MP का सैमसंग मेड JN1 सेंसर f2.0 अपर्चर के साथ, लार्जर सेंसर है ये, ऑटो फोकस को ये सपोर्ट करता है। तो पहला चीज की यहाँ पे आपको वाइडर व्यू थोड़ा सा वीवो जो है ज्यादा देता है, कलर से बूस्टर देगा, लेकिन उसके लिए जाइस मोड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि
शार्पनेस जो है वीवो में कितना ज्यादा है, खासकर सेंटर वाले एरिया में, कॉर्नर पे दोनों अपना शार्पनेस लूज करता है। ह्यूमन सब्जेक्ट में अगर बोलेंगे तो हमको वीवो का कलर साइंस थोड़ा सा बेहतर लगा, बट आपका कलर प्रेफरेंस जो है वो आपका खुद का भी हो सकता है। डायनेमिक रेंज वाला जितना भी शॉट लोगे उसमें मैक्सिमम जगहों पे वीवो जो है मतलब बेटर शेडोज और हाईलाइट्स को हैंडल करता है। ओवरऑल बोले तो भाई वीवो जो है मतलब बेटर आपको फोटोज वगैरह दे सकता है, खासकर लो लाइट वाले सिचुएशन वाले फोटोज में। प्राइमरी कैमरा में तो अलग रिजल्ट था, थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट था, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% जगह वीवो बेहतर काम करता है, बस थोड़ा सा ब्लू को ज्यादा बूस्ट करता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और एक्सट्रीम डार्क में जो है मोटो में बहुत ज्यादा कलर नॉइज दिखेगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लैश हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो, वीवो जो है आपको ऑलमोस्ट 90% जगहों पे बेटर रिजल्ट देने वाला है। दोनों फोन में ही मिल जाता है टेलीफोटो कैमरा, यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है मोटो में f2.0 अपर्चर के साथ। यहाँ पे OIS भी मिलेगा, 3x टेलीफोटो है, लेकिन हम लोग वीवो में ज्यादा हायर रिजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल का f1.9 वाला टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, लेकिन ये 2x टेलीफोटो लेंस है कंपेयर टू मोटो, थोड़ा सा जूम रेंज कम मिलने वाला है। 2x पे हम लोगों ने जितना भी फोटोज लिया, यहाँ पे वीवो के पास ऑप्टिकल जूम रेंज है तो डेफिनेटली वो बेटर शार्प और डिटेल्ड फोटोज दे पाएगा, ये चीज तो क्लियर था, क्योंकि वीवो एल्गोरिदम बहुत बढ़िया काम करता है। कलर्स आपको बूस्टेड नजर आ सकता है वीवो में, अगेन बोलेंगे कि जाइस मोड है और शार्पनेस डिटेनिंग डायनेमिक रेंज वो तो आपको पता चल ही रहा है। लेकिन 3x पे हम लोगों ने सोचा था कि मोटो बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे भी वीवो जो है बेटर सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है और अच्छा दिखाता है सब कुछ, इवन डायनेमिक रेंज भी बढ़िया था, शार्पनेस डिटेलिंग भी बढ़िया था। लो लाइट में एक दो जगह हमको लगा कि वीवो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जितना भी शॉट लिया उसमें हमको मोटो जो है ज़्यादा बेटर काम करता दिखा। तो अगर जूम का बात करेंगे तो हम लोग को वीवो में 20x तक का डिजिटल जूम मिलेगा और मोटो में हम लोग को 30x का डिजिटल जूम मिल जाता है। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखें कि OIS जो है मोटो का कहीं ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी देता है, अगर आप ज़्यादा जूम वगैरह करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इस चीज़ में मोटो का OIS, तो यहाँ पर एक एडवांटेज मोटो को मिल जाता है। 2x 3x पे तो वीवो ने ज़्यादा शार्प फोटोज दिखाते, लेकिन उसके ऊपर आप 5x पे जैसे ही जाते हो यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं मोटो ज़्यादा शार्प फोटोज देता है। इवन हम लोगों ने जो 10x पे फोटोज लिया वहाँ पे भी मोटो जो है ज़्यादा शार्प और स्टेबल आप कह सकते हो फोटोज वगैरह क्लिक करता है। वीवो का जो मैक्सिमम जूम है वो 20x है, मोटो 30x जा सकता है, तो 20x पे भी जो फोटो था उसमें मोटो ज्यादा शार्प था। वहीं अगर पोर्ट्रेट शॉट्स का बात करेंगे तो हम लोग को वीवो में दो पोर्ट्रेट मोड मिल जाते हैं, 1x और 2x, दोनों ही ऑप्टिकल है। काफी सारा इसमें वीवो में स्टाइल्स और फिल्टर मिल जाएगा, उस चीज में वीवो कहीं ज्यादा आगे है। वीवो में आप ऑरा लाइट यूज करके भी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, डेफिनेटली वो काम करता है अगर आप लो लाइट में आप फोटोज वगैरह क्लिक करो पोर्ट्रेट में। तो यहाँ पे वीवो का जो मेजर एडवांटेज है जाइस मोड, जिसमें बैकग्राउंड का जो बोके है वो आप कंट्रोल कर सकते हो कि कैसा उसका ब्लर रखना है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, खासकर फोटोग्राफी में आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। और एक ऑरा लाइट जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स में भी आपका काम करता है, पोर्ट्रेट में आप मोटो में फ्लैश ही नहीं जला सकते, लेकिन ऑरा लाइट के थ्रू आप किसी भी लाइट कंडीशन में बहुत अच्छे तरीके से फोटोज क्लिक कर सकते हो। हम लोग को मोटो में एडवांटेज जो एक मिल जाता है वो है ज़्यादा फोकल लेंथ का, 24mm, 35mm, 50mm और 85mm, जिसमें कि 24 और 85 जो ऑप्टिकल है बाकी सब डिजिटल है, ऑप्शन ज़्यादा आपको मोटो में मिल जाता है। तो आप एक चीज़ देखो कि जैसे कि हम फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं मोटो में तो ये क्लिक करने के बाद कितना प्रोसेस लेता है, एंड वहीं वीवो जो है काफ़ी फास्ट, मतलब काफ़ी फास्ट आप इसमें फोटोज ले सकते हो, लेकिन मोटो में आपको रुकना पड़ेगा, फोटोज़ लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि दोनों ही फ़ोन आपको कलर बूस्ट करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, फेस वेस चिकना करेगा, ब्राइट करेगा, लेकिन मोटो थोड़ा सा कभी कभी अननेचुरल हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा पाउडर जैसा फील दे देता है बाल हो या फिर फेस हो उसके ऊपर। ओवरऑल हमको यहाँ पे दोनों में से वीवो का फोटोज़ बेहतर लगा, बट मोटो भी बुरा नहीं है, कुछ कुछ सिचुएशन में जैसे वीवो कंसिस्टेंसी और बेटर रिजल्ट देता है, अगेंस्ट द लाइट हो या फिर लो लाइट का फोटोज़ वगैरह आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे 90% जगहों पे वीवो जो है बेहतर रिजल्ट देता हुआ दिखा हमको। और एक और चीज़ था कि भाई आप फ्लैश यूज़ कर सकते हो, ऑरा लाइट यूज़ कर सकते हो वीवो में, आप यहाँ पे मोटो में कोई लाइट नहीं यूज़ कर सकते हो, बट मोटो में ये चीज़ है कि 2x में आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो, डिजिटली भले ही वही होता है, डिटेलिंग आपको डेफिनेटली यहाँ पे वीवो में ज़्यादा बेहतर मिलेगा, ये चीज़ आप जान लो। लेकिन आप यहाँ पे जो मोटो में डिफॉल्ट सेटिंग है 85mm वाला, उसमें आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कलर्स जो है फीका पड़ जाता है प्राइमरी कैमरा के अकॉर्डिंग, वीवो में कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा और थोड़ा सा वीवो शार्प और डिटेल्ड ज़्यादा फील होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा फोटोज़ वगैरह पसंद है, डेफिनेटली फोकल लेंथ तो अलग चीज़ हुआ, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी में पोर्ट्रेट शॉट्स में यहाँ पे वीवो जो है बेहतर रिजल्ट आपको करके देगा। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो दोनों ही 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देगा, f1.9 मोटो में है, f2.0 वीवो में है, और वीवो का जो सेंसर है Gen 1 वो काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है, ऑटो फोकस के साथ आता है और वाइडर व्यू भी आपको ज्यादा देगा।
फ्रंट कैमरा में दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्म करता हुआ दिखा डे टाइम में। खासकर अगर बात करें तो डायनेमिक रेंज थोड़ा सा वीवो में बेहतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वीवो फेस को ब्राइट भी करता है, मोटो थोड़ा सा नेचुरल रखने का कोशिश करता है, ये चीज़ अच्छा लगा मोटो का। लेकिन लो लाइट में आप जाओगे तो यहाँ पे वीवो जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा हमको मैक्सिमम जगहों पर, जितना भी जगह पर हम लोगों ने शॉट्स लिया। ज़्यादा ब्राइट और डिटेल्ड फोटोज़ आपको वीवो दे पाएगा, खासकर आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह में लेते हो तो। और फ्लैश के साथ भी जो भी हम लोगों ने फोटो लिया था उसमें वीवो ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड फोटोज़ ले पा रहा था कहीं ना कहीं। तो ये बोल सकते हैं कि आपको फ्रंट कैमरा में ओवरऑल वीवो यहाँ पे भी बेहतर रिजल्ट देगा। फ्रंट पोर्ट्रेट का बात करेंगे तो यहाँ पे भी दोनों फोन डे टाइम में लगभग सिमिलर जैसा परफॉर्म किया, बस कलर साइंस वही है। एक दो जगह भाई मोटो फोटो ले भी नहीं पाया था, तो ये चीज़ मोटो में हीट होने के बाद कभी कभी हुआ था एक दो जगह, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता है। और अगर आप लो लाइट में भी यहाँ पे फ्रंट पोर्ट्रेट लेते हो तो यहाँ पे भी आपको ब्राइटर फोटो जो है वीवो में मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। हाँ, आपका पसंद मोटो भी हो सकता है, बोलोगे आप नेचुरल साइड में है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लैश के साथ भी अगर आप फोटो लोगे तो यहाँ पे सिर्फ वीवो में ऑप्शन मिलेगा, फ्रंट पोर्ट्रेट में आपको मोटो में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों कहीं प्रो मोड का फाइल साइज देखते हैं डिफॉल्ट सेटिंग में तो नहीं सिमिलर टाइम लेता है फोटोज को क्लिक करने में, तो दोनों में हम लोग को 25 MB एंड 25 MB का फोटोज लेता है, मतलब सिमिलर साइज क्वालिटी आपको रहेगा दोनों में ही। तो वीवो में एक और फीचर मिलेगा ऐसे, ये मोटो में ये फीचर है कि आप डायरेक्ट टॉगल है तो आप डायरेक्ट टॉगल के थ्रू जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये इजी होता है। वीवो में स्लाइडर है तो वो थोड़ा इरिटेटिंग होता है, लेकिन वीवो में ये फायदा है कि रिकॉर्डिंग के बीच में आप डायरेक्ट फ्रंट कैमरा में स्विच कर सकते हो, फिर डायरेक्ट रियर कैमरा में स्विच कर सकते हो बिना स्टॉप या पाउज किए हुए। ये एक एडवांटेज मिलता है वीवो के साथ। आप अगर वीवो में देखोगे तो जूम इन जूम आउट करना इजी है, एंड मोटो में भी जूम इन जूम आउट करना इजी है। मोटो में जूम रेंज वगैरह ज़्यादा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ एडिशनली ऐड हुआ है। वीडियो सेटिंग्स का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर सेटिंग में जाते हैं तो 4K 60 FPS आपको सारे कैमराज में मिल जाता है वीवो में, फ्रंट वगैरह सारा में। लेकिन हम लोग को 4K 30 FPS का ऑप्शन यहाँ पे मोटो में सारे कैमराज में मिलता है। मोर सेटिंग्स में आते हैं तो वीवो में हम लोग को हाई रिजोल्यूशन पैनोरमा अल्ट्रा एचडी स्लो मोशन, स्लो मोशन में अगर आप जाते हो तो वीवो में आपको 1080p 240 FPS का मिलेगा ऑप्शन, लेकिन मोटो में आपको HD में 240 FPS का ऑप्शन मिलता है। अगर आप टाइमलैप्स शूट करते हो तो सारे कैमरास में टाइमलैप्स का ऑप्शन है, मोटो में आपको फ्रंट कैमरा में टाइमलैप्स का ऑप्शन है, 4K का सेटिंग सारे कैमरास में आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ वीवो में हम लोग को सुपर मून मोड भी है, एस्ट्रो मोड भी है, स्नैपशॉट मोड है, फूड मोड है, डुअल व्यू मोड है, लाइव फोटो मोड है। वहीं अगर मोटो में बात करोगे तो स्पॉट कलर मोड आपको मिलता है, फोटो वीडियो दोनों में किसी एक स्पेसिफिक कलर को आप चूज करके इसमें आप वीडियो फोटोज ले सकते हो। फोटो बूथ मोड है, टिल्ट शिफ्ट मोड मिल जाएगा, लॉन्ग एक्सपोजर मोड अगर आप शूट करते हो तो ये मोड आपको सिर्फ और सिर्फ मोटो में मिलेगा। यहाँ पे वीवो में आपको कोई ऑप्शन इसमें हमको अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखा है। तो अगर आपको 4K 60 FPS रिकॉर्ड करना है प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड पे तो सिर्फ वीवो में मिलता है, ये ऑप्शन आपको नहीं है मोटो में। भले ही आपको वीवो में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, स्टेबलाइजेशन दोनों ही कैमरा के 4K में मिल जाता है, लेकिन मोटो का आई डोंट नो। अगेन हम बोल सकते हैं कि शायद हो सकता है कि आपको हीटिंग की वजह से स्टेबलाइजेशन नहीं हो, लेकिन वीवो बहुत अच्छे से स्टेबलाइज किया है। इवन जो वीवो का डायनेमिक रेंज था, हाईलाइट्स को मैनेज करने वाला चीज़ था, वो बेहतर था। कैमरा स्विचिंग आप दोनों में कर सकते हो 4K सेटिंग में, बस ये है कि टॉगल डायरेक्ट मिलता है मोटो में और एक्सपोजर शिफ्टिंग आपको मोटो में दिख रहा होगा, ये अल्ट्रा वाइड पे हो चुका है एंड डायरेक्ट फिर हम लोगों ने जूम किया टेलीफोटो। वीवो में इरिटेटिंग ये लगा कि स्लाइडर है, स्लाइडर के थ्रू आप जूम करो उसको, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है। कलर्स आपके ऊपर रहेगा कि आपको कैसा क्या पसंद है, हमको वीवो का कलर्स थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टेड फील हुआ कभी कभी, ऐसा चीज लग रहा था, बट वही है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज़। और वीवो में सबसे ज़्यादा बेटर वही था कि स्टेबलाइजेशन वगैरह आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। और अगर आप डायनेमिक रेंज प्रॉपर देखोगे तो हाईलाइट्स को अच्छे से वीवो मैनेज कर रहा है, लेकिन शेडोज़ को थोड़ा बेहतर जो है मोटो मैनेज कर रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि भाई इतना महंगा फ़ोन होने के बाद भी वीवो को टक्कर दे पाना मोटो के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। हम तो अच्छा ही बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे कि काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया पहले से मोटो ने, इतना बढ़िया पहले मोटो नहीं था। और डायरेक्ट कैमरा का टॉगल दे देना बहुत बड़ा बात हो जाता है आजकल के टाइम में, स्लाइडर के थ्रू जूम इन जूम आउट करना थोड़ा इरिटेटिंग होता है। स्विचिंग स्मूथ भले ही ना हो बट स्टिल काफ़ी अच्छा है। आप किसी भी जूम लेवल पे जाओगे, 2x पे भी देखोगे या 3x पे देखोगे, दोनों के साइड बाई साइड, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा दोनों ही फ़ोन काम किया है। मोटो का प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया काम है। तो अगर लो लाइट 4K वीडियो का बात करें तो मोटो का एक चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, जैसे कि फेस दिखता है तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ब्राइट करता है, बैकग्राउंड का लाइट्स वगैरह देख सकते हो। वीवो कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करता है वीडियो को, फेस दिखे ना दिखे, तो ये चीज़ वीवो का बढ़िया है। बट अल्ट्रा वाइड पर भी आप जाओगे तो कुछ वैसा ही रिजल्ट था। अल्ट्रा वाइड पर हमको वीवो का वीडियो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसमें कलर नॉइज़ काफ़ी कम है, मोटो में थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ वगैरह दिखने लगता है। लेकिन अगर हम फिर से वापस वही बात बोलेंगे कि कंसिस्टेंसी आपको चाहिए तो वीवो ही है। और अगर आप फिर से नॉर्मल सिचुएशन में वीडियो लेते हो, फिर से अगर हम 1x पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको सरप्राइजिंगली भाई मोटो का वीडियो ज़्यादा शार्प और डिटेल लगा। बोलते हैं ना कि बड़ा सेंसर है,
बेटर अपर्चर है, लार्जर अपर्चर है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे हमको दिख गया मोटो में। बस अगेन फिर आप जैसे ही देखोगे फेस दिखते ही मोटो एकदम ब्राइट कर देता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मोटो में एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कंसिस्टेंसी वीवो में है लेकिन ब्राइटर वीडियो जो है वो मोटो में है। देखिए आप कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है एक्सट्रीम डार्क सिचुएशन में, भले ही उसका वीडियो ज़्यादा ब्राइट है लेकिन फ्लैक्चुएट ज़्यादा करता है। तो ये फ्रंट कैमरा है दोनों ही फ़ोन्स का। वैसे ब्राइटनेस के मामले में तो मोटो यहाँ पे विनर है, बट अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा जो है फ्रंट में हम लोग को वीवो मिल जाता है, ज़्यादा वाइडर व्यू है। ऐसे मोटो का भी वाइडर व्यू कम नहीं है बट स्टिल इसके सामने थोड़ा सा कम पड़ जाता है। वीवो में 0.8x तक आप जा सकते हो। क्वालिटी की बात करेंगे तो क्लियरली वीवो जो है ज़्यादा नेचुरल और जो बेसिक कलर्स होता है वो दिखाता है, और मोटो जो हम लोग का सोशल मीडिया रेडी और बूस्टेड कलर्स दिखाएगा। ऑडियो क्वालिटी कुछ ऐसा ही है, डायनेमिक रेंज थोड़ा सा वीवो का बेहतर है और मोटो जो है फेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा, और फ्रंट कैमरा में वीवो ही है जो सिर्फ 4K60 देखता है, मोटो जो है 4K30 तक लिमिटेड है। तो दोनों ही फ़ोन में हम लोग को डुअल व्यू मोड का भी ऑप्शन है जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ आप ऑन करके वीडियोस वगैरह क्लिक कर सकते हो। इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे आते हैं, कस्टमाइज़ करने का भी अलग अलग ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दिस इज़ फ्रंट कैमरा गाइस, लो लाइट में 4K 30 FPS पे दोनों ही फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है। क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि वीवो जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, वाइडर व्यू भी ज़्यादा, अगेन वही बोल सकते हैं ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड वीडियो भी है, लाइट में भी थोड़ा सा मूव करते हैं तो भी अगेन वीवो यहाँ पे बेटर परफॉर्म करेगा। तो फ्रंट कैमरा में तो भाई क्लियरली यहाँ पे वीवो जो है लीड करता है, क्वालिटी भी ओवरऑल ज़्यादा बेटर है वीवो का। तो फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन छोड़ के बाकी सब में वीवो जो है बेहतर था मोटो से, बस स्टेबलाइजेशन मोटो का ज़्यादा बेहतर है। और एक और चीज़ वीवो में एडवांटेज है कि आप 1x पे पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 2x पे पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये फीचर आपको मोटो में अभी तक फिलहाल नहीं आया है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिनको पोर्ट्रेट्स या वीडियो ये सब शूट करना होता है। तो फाइनली बैटरी का बात करें तो एकदम सिमिलर जैसा बैटरी बैकअप 73% वीवो में और 74% जो है हम लोग को मोटो में मिलता है। 1 घंटा 32 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, तो भाई बोल सकते हैं दोनों फोन्स का बैटरी जो है सिमिलर परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, डेफिनेटली यहाँ पे V30 Pro बेटर ऑप्शन है, बट स्टिल 10,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपका बजट वहाँ तक जा रहा है देन आपके लिए ठीक है, अगर आपका बजट उतना तक नहीं है तो भी आप मोटो H30 Pro लेके आराम से अपना पैसा बचा सकते हो। दोनों चीज़ अच्छा है ये तो यही बोलेंगे, दोनों फोन यहाँ गर्दा जरूर उड़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भी गर्दा उड़ाते रहिए। जय श्री राम।